आज का जो मुझे आपसे बात करनी थी जिस बारे में वो ये थी। आई एम श्योर अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आई हैव रिसेंटली मूव टू अ न्यू हाउस। हम लगभग 2 हफ्ते से हाउस हंट कर रहे थे और फाइनली हमें जो घर चाहिए था वो हमें मिल गया है और पिछले वीकेंड हमने यहाँ पे मूव किया है। तो जब मैंने वो पोस्ट डाला वेयर वी स्टार्टेड पैकिंग और सारे कार्टन्स रखे हैं एंड यू नो आई गॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आई गॉट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स आस्किंग कि हम लोग इस वक्त क्यों रिलोकेट कर रहे हैं और ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक इतना इतना सब स्टे होम स्टे सेफ बोल रहे हैं। हम भी मैं भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एनकरेज करती हूँ कि यू नो आप जब तक कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो आप घर से बाहर मत निकलिए। तो वाई आर वी मूविंग नाउ? तो इट्स अ लिटिल मोर एलैबोरेट एंड अ लिटिल मोर पर्सनल टॉपिक टू डिस्कस। पर हाँ, बहुत सारे लोग मुझे पता है जिन्होंने ये पूछा मुझसे कि हम क्यों रिलोकेट कर रहे हैं। दे वर जेन्युइनली कंसर्न्ड, ऑल्दो अ लॉट ऑफ पीपल वर देयर हु टुक नो टाइम इन जजिंग यू नो हाउ इनसेंसिटिव वी आर एज पेरेंट्स। एंड इट्स ओके, वी आर वेरी क्विक टू जज समवन एल्स विद एवरी चॉइस दे मेक, सो इट्स फाइन। आई डोंट माइंड दैट, यू आर फ्री टू हैव योर ओन ओपिनियन। बट द रीजन आई वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो इज फॉर द पीपल हु रीच्ड आउट टू मी जेन्युइनली कंसर्न्ड बिकॉज दे हैड द सेम रीजन दैट दे वॉन्ट टू मूव एंड दे हैव अ बेबी इन द हाउस एंड दे आर नॉट श्योर वेदर टू डू इट राइट नाउ और नॉट। सो आई थॉट इट बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम जो घर घर ढूंढ रहे हैं या घर शिफ्ट करने का सोच रहे थे बट बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक दे हैड टू पोस्टपोन देयर प्लान्स एंड कैंसिल देम एज वेल। पर उनको इवेंचुअली करना ही है। तो आई एम गोना टॉक अबाउट अ फ्यू थिंग्स जो हमने किया एंड अगर आप लोगों को ठीक लगता है या आपको लगता है कि दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन अडॉप्ट एज वेल व्हेन यू आर प्लानिंग टू शिफ्ट देन डेफिनेटली यू नो फील फ्री एंड कॉमेंट्स भी जरूर करिए अगर आपको लगता है कि इससे कुछ और बेटर हो सकता था। आई एम श्योर देयर अदर पीपल वॉचिंग द वीडियोज एंड रीडिंग द कॉमेंट्स टू, हो सकता है उनकी कोई मदद हो जाए आपके किसी भी एडवाइस से। सो हमने जो पहली चीज करी वो ये करी कि जो हमारा रिलोकेट करने का जो पूरा प्रोसेस था हमने वो प्रोसेस लगभग स्टार्ट ऑफ जून में स्टार्ट कर दिया था। बट सिंस जो घर थे या जो ब्रोकर्स थे या सोसाइटीज थी ऑल ऑफ देम वर क्लोज्ड आउट इन द वे के वो एंट्रीज अलाउड नहीं कर रहे थे विजिटर्स की या ब्रोकर्स अलाउड नहीं थे या कुछ नहीं था। तो व्हाट आई डिड वाज आई इंस्टॉल्ड एन ऐप 99 acres, एवरी वन ऑफ अस नो अबाउट इट। तो 99 acres पे आई वॉज लुकिंग फॉर अ हाउस फॉर रेंट एंड वी केप्ट लुकिंग बिफोर वी एक्चुअली रीच आउट टू द ब्रोकर जो हमें सबसे सही मैचेस लगे अपनी प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट्स के लिए। उन ब्रोकर्स को फिर हमने रीच आउट किया बट वी वर डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑल ऑफ देम केप्ट सेइंग कि अभी वो सोसाइटी ओपन नहीं है और विजिट के लिए अलाउड नहीं है। तो हमारे पास मतलब इट्स गुड दैट वी स्टार्टेड दैट अर्ली बिकॉज हमारे पास काफ़ी टाइम रहा कि हम पहले वो प्रोसेस कंप्लीट कर लें या यू नो पहले वैसे भी हम जाके विजिट नहीं कर सकते थे साइट पर। तो वी टुक आर ओन स्वीट टाइम टू लुक आउट प्रॉपर्टीज ऑनलाइन बिफोर वी एक्चुअली अटेम्प्टेड टू रीच आउट और गो सी अ प्रॉपर्टी। तो हमने वो किया, सबसे पहले वी स्टार्टेड आर ऑनलाइन सर्च जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो प्रॉपर्टीज हमें लिस्टेड दिख रही थी हमने उनके ब्रोकर्स को कॉन्टैक्ट किया और उनसे पूछा यू नो जस्ट रेगुलर क्वेश्चंस, रेंट कितना है, मेंटेनेंस कैसा है और यू नो एक्सेसिबिलिटी एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। फिर उसके बाद ही हमने मतलब वी शॉर्ट लिस्टेड अ फ्यू प्रॉपर्टीज एंड देन वी डिसाइडेड पैकिंग ऑन इट और डिसाइडेड टू यू नो टू फॉलो अप ऑन इट। तो दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दैट वी डिड दैट वी स्टार्ट सर्चिंग द प्रॉपर्टी ऑनलाइन। वंस दैट वॉज डन, वंस वी हैड लुक्ड अ नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑनलाइन उसके बाद हमने अपने ब्रोकर को कॉन्टैक्ट किया जो भी हमें प्रॉपर्टीज बेस्ट लग रही थी। लिटरली हमने ये घर सिर्फ एक विजिट यू नो वी जस्ट लिटरली मेड वन विजिट एंड वी बुक्ड इट। और ऐसा नहीं है कि हम 10 बार घूमने निकले या 10 बार हम घर देखने निकले, हम ये सोच के ही आए थे कि वी आर नॉट गोइंग टू मेक इट लाइक अ रेगुलर एक्सरसाइज। हम सिंपली एक ही बार निकलेंगे और जितने भी हमें घर देखने हैं हम उसी दिन देख के आएंगे। वी डोंट वॉन्ट टू डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन स्पेशली बिकॉज वी हैव अ बेबी इन द हाउस।
तो हमने पहले वो किया, फिर उसके बाद थैंकफुली ये जो हमें घर मिला है इट इज नॉट थ्रू अ ब्रोकर, ओनर्स की जो लिस्टिंग्स होती हैं उसके थ्रू आई फाउंड दिस हाउस एंड इट वॉज रियली नाइस एंड चीप एंड एवरीथिंग आई कुड एवर ड्रीम ऑफ. इट्स अ ब्यूटिफुल हाउस. तो हमने ये वाला घर देखा, हमने जो ओनर थे उनसे हमने वीडियोज मंगाई घर की, क्योंकि उनके लिए भी पॉसिबल नहीं था, वो आउट स्टेशन रहते थे और उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो आके हमें घर दिखा सकते. सो ही सेंट अस अ फ्यू वीडियोज, हमने वो वीडियोज देखी और हमें घर अच्छा लगा वीडियोज में भी. तो हमने फाइनली बिफोर वी बुक एनीथिंग एल्स हमने उनसे एक फाइनल बार बोला कि वी वॉन्ट टू विजिट द हाउस जस्ट वंस, तो अगर आप बता सकते हैं तो यू नो जस्ट लेट अस नो. तो उन्होंने जैसे तैसे करके हमारे लिए कीज अरेंज कराई घर की, क्योंकि कीज भी उन्हीं के पास थी एंड यू नो देयर वाज लाइक वो थोड़ा सा डील था कि वो कीज हमें अरेंज करनी पड़ी. दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन यू गो सी अ हाउस थ्रू एन ओनर वर्सेस अ ब्रोकर, बिकॉज ये सारे हैसल्स वो ब्रोकर टेक केयर कर लेता है. बट ऑन द अदर हैंड यू ऑल्सो पे द ब्रोकर, राइट? और वैसे ओनर को अगर आप डायरेक्टली कोई प्रॉपर्टी लेते हो तो आपका ब्रोकरेज सेव होता है. सो दैट्स वेयर वी सेव्ड इट, कि ठीक है हम ब्रोकर के थ्रू नहीं कर रहे थे तो हमें थोड़ा सा हासिल हुआ, बट इट्स फाइन, वो कोई इतना बिग डील नहीं था. फिर आफ्टर वी सॉ द हाउस वी वर इमीडिएटली श्योर कि हमें यही घर लेना है, और हमने तुरंत ओनर को कॉल किया बिकॉज ही वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स एंड अदर पीपल फॉलोइंग अप ऑन द प्रॉपर्टी एंड चेकिंग वेदर यू नो इट्स स्टिल अवेलेबल. तो उनको जब उनको हमने फ़ोन किया तो उन्होंने भी ही वॉज ऑल्सो वेरी यू नो वेरी होमली वेरी नाइस एंड ही वॉज लाइक ओके आप लोग फिर बता दो व्हेन एवर यू वॉन्ट टू मूव एंड वी कैन डू द प्रोसेस. तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमने जब घर देखा विद इन नॉट इवन लाइक अ डे, जिस दिन हमने घर देख के फाइनलाइज किया उसी दिन हमने तुरंत मूवर्स एंड पैकर्स को कॉन्टैक्ट किया और उनको बोला कि यू नो वी हैव टू मेक अ मूव नेक्स्ट वीक और आप हमें यू नो एक लमसम आइडिया एंड हाउ यू नो वट एवर द प्रोसेस इज आप हमें वो बता दो. तो उन्होंने बोला कि आपका घर का पहले सर्वे होगा, वील हैव टू लुक एट द स्टफ दैट यू हैव और उसी के बाद आई बी एबल टू कोट यू अ प्राइस. आई वॉज लाइक ओके ठीक है आप सर्वे कर लो, बट वट एवर यू नो वट एवर यू गोना बी डूइंग और जितना भी आप सामान मूव करोगे उससे पहले आई वॉन्ट अ नंबर ऑफ कार्टन्स बिकॉज आई वॉन्ट टू पैक एवरीथिंग ऑन माई ओन, जो भी मैं कर सकती हूँ, जो भी स्पेशली वो चीज़ें जो बेबी के कॉन्टैक्ट में ज्यादा आती हैं वो सब चीज़ें आई डिड नॉट वॉन्टेड एनी वन एल्स टू टच, तो वो मुझे पहले से पैक करनी थी. सो पॉइंट नंबर टू इज वी डिड द पैकिंग विद ऑफ द थिंग्स विच आर एसेंशियल फॉर आर बेबी आरसेल्व्स, वी डिड नॉट लेट एनी वन एल्स टच इट, क्योंकि वो सैनिटाइजेशन और ये वो एंड आई डोंट यू नो इट्स नॉट देयर फॉल्ट बट ये वायरस कहीं से भी आ सकता है, तो वी जस्ट वॉन्टेड टू टेक नो चांसेस एट ऑल और हमने वही किया. सो वी गॉट द कर्टन्स एंड एवरीथिंग अ वीक इन एडवांस ऑफ द डे दैट वी डिसाइडेड टू मूव और उसी दिन से हमारा पैकिंग स्टार्ट हो गया था. तो थर्ड थिंग दैट वी डिड वॉज दैट वी पैक्ड एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू माई बेबी फर्स्ट इन आर ओन बैगेजेस. वी डिड नॉट इवन यूज देयर कार्टन्स टू पैक हिज बैग्स. हमने टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस हमने अपने बैग्स लिए, उनको सैनिटाइज किया, सब कुछ किया बिकॉज दे हैव बीन केप्ट लाइंग इन द हाउस थोड़ा टाइम से. सो वी क्लीन दैम अप, सैनिटाइज दैम एंड देन इज वेन वी पुट ऑल हिज स्टफ इन दोज बैग्स. उसके बाद हमारा प्लान ये था कि हम सैटरडे मूव कर जाएंगे, संडे मूव करेंगे एक्चुअली, दैट इज व्हाट वी प्लान फॉर. बट फिर हमें मतलब वी वर स्टिल थिंकिंग, क्योंकि विद सैमी इन द हाउस एंड मूवर्स एंड पैकर्स के बंदे और सब सामान पैक कर रहे होंगे वो लोग, हाउ इज दैट वी आर गोइंग टू यू नो वी आर गोइंग टू डील विद इट. और सैमी हर बच्चे के साथ यही होता है, यू नो दे गेट एक्स्ट्रा एक्साइटेड, दे कीप रनिंग हियर एंड देयर. उस पोजिशन में या उस टाइम पे उसको मास्क नहीं पहना सकते आप, उसको सेफ नहीं कर सकते किसी भी तरीके से. और जब इतना कुछ हो रहा है व्हेन देयर इज सो मच केओस इन द हाउस, आप बहुत देर तक उसको पकड़ भी नहीं सकते. सो इट जस्ट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट व्हेन यू हैव अ बेबी. हमने आई थिंक 3 या 4 बार हमने घर वैसे भी शिफ्ट किया है, बट इट वॉज नेवर अ हैसल देन इट वॉज दिस टाइम. फर्स्ट बिकॉज वी हैव अ बेबी सो वी हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस एंड सेकेंड बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक. तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने एज आई वॉज सेइंग थर्ड थिंग वॉज दैट वी पैक्ड everything that was my baby's in our own baggages. We did not use cartons for that. और हमने संडे मूव करना था, तो हमने क्या किया, हमने instead of moving on Sunday, हम पहले थर्सडे एक दिन जाके वी वेंट एंड जस्ट
cleaned and washed and sanitized the house ourselves. क्योंकि हम यू नो हमें बाद में पता चला कि देर आर सैनिटाइजेशन सर्विसेज दैट यू कैन टेक बट इट्स ओके. आई थिंक जितना सेटिस्फैक्शन आपको खुद कुछ साफ करने में आता है एंड एनी वेज हमने क्योंकि घर बहुत 10 बार नहीं देखा था तो इट ऑल्सो गेव अस एन आइडिया कि हम फर्नीचर कहाँ कैसे अरेंज करेंगे. सो इट वॉज एन एक्सरसाइज फॉर अस. पर हम थर्सडे आके हमने सारा घर डेटॉल से और वॉल सैनिटाइज एवरीथिंग. वी लाइक लिटरली क्लीन्ड एवरी इंच ऑफ द हाउस बिफोर वी ब्रिंग एनी स्टफ इन. तो थर्सडे में और ये घर पिछले 4 महीने से बंद पड़ा था. सो इट्स नॉट दैट कि यहाँ पे पहले से ही कोई रह रहा था. इट हैज़ ऑलरेडी बिन क्लोज सिंस आई थिंक लॉक्ड है ये फेब्रवरी से ये घर लॉक था. तो साफ ही था इतना कोई मतलब देयर वाजंट एनी पीपल लिविंग हियर जिनकी वजह से हमें ज़्यादा केयरफुल होना पड़े या ज़्यादा क्लीनिंग करनी पड़े. तो द हाउस वॉज ऑलरेडी क्लीन वेन वी मूव्ड इन. पर हाँ हमने जस्ट फॉर आवर ओन सेटिस्फैक्शन हमने उसको डेटॉल से साफ किया. हमने वॉल्स को सैनिटाइज किया और डोर्स को वी डिड लाइक क्लीन एवरीथिंग. फिर उसके बाद आफ्टर वी मूव्ड थर्सडे को लिटरली मतलब हमने अपना एक फर्स्ट जो बोलते हैं ना फर्स्ट गृह प्रवेश वो हमने कर दिया थर्सडे में. एंड देन संडे वॉज द प्लान. थर्सडे जब हम क्लीन करके आए तो मी एंड माई हस्बैंड वी केप्ट ऑन थिंकिंग कि ऐसे कैसे होगा बिकॉज वी सॉ सैमी वॉज रनिंग अराउंड द होल हाउस और हम क्लीन कर रहे थे और हम मतलब ही वॉज लाइक इट वॉज सो डिफिकल्ट. और हमें ये लगा कि ये तो सिर्फ हम लोग थे. वेन द मूवर्स एंड पैकर्स विल बी इन द हाउस फिर कैसे होगा. तो हम पूरी रात सोए नहीं. हम यही सोचते रहे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. देन इट अकर टू अस कि हम ये कर सकते हैं कि सैटरडे मी एंड माय लाइक ऑल थ्री ऑफ अस सैटरडे हम पहले ही एक दिन पहले ही मूव हो गए सैमी के सारे सामान के साथ. दैट्स अनदर प्रिकॉशन दैट वी टुक फॉर आर बेबी कि हम एक दिन पहले ही यहाँ आ गए थे टू ब्रिंग ऑल ऑफ स्टफ. वाइल जो हमारा सारा सामान था जो मूवर्स एंड पैकर्स ने लाना था वो सारा सामान पुराने घर में ही था. एंड द प्लान वॉज कि अगले दिन माई हस्बैंड वुड गो एंड गेट ऑल ऑफ दैट स्टफ विद मूवर्स एंड पैकर्स. तो हमने क्या किया हम सैटरडे में यही अपना सारा सामान पैक करके हमने लिटरली यू नो व्हेन वी स्टार्टेड पैकिंग पहले हमने ये सोचा कि सिर्फ सैमी का पैक कर लेते हैं. बट देन यू नो इट अकर्ड कि नहीं लेट्स नॉट टेक एनी चांसेस एट ऑल. तो हमने अपना भी जो रेगुलर यूज का सामान है कपड़े और किचन का सामान स्पेशली किचन का सामान और कोई भी चीज़ जिससे हम डे टू डे इंटरेक्ट करते हैं वो सब चीज़ें भी अपने आप पैक करी. सो ऑनेस्टली आई काइंड ऑफ फील कि हमने कुछ नहीं तो अबाउट 90% पैकिंग अपने आप करी है इन दोज कार्टन्स इन स्पाइट ऑफ हायरिंग अ पैकर्स एंड मूवर्स. तो वो पैक हमने खुद किया. फिर उसके बाद सैटरडे हम अपने सारे सामान नहीं बट सैमी के सारे सामान के साथ हिज टॉयज हिज बेड क्लोथ्स एनीथिंग इवन अ टाइनी बिट ऑफ स्टफ दैट बिलोंग्स टू हिम वो सब हमने सैटरडे मूव कर दिया so that it doesn't come in contact with the new people or the movers and packers wale log jo ghar aayenge hamare saman pack karne ke liye. After we moved in phir hamara ghar saaf hi tha humne ek din pehle hi saaf kiya tha but we still like cleaned it mopped it sab kuch saaf karke Saturday mein phir humne ek room ko ek apna fort type bana liya the room that me and my son is going to stay until my husband brings over the stuff and then मूवर्स एंड पैकर्स वाले भी. तो सब हम एक रूम में मैं और मेरा बेटा हम पूरा टाइम वहीं बैठे रहे. वी डिड नॉट स्टेप आउट ऑफ द रूम. वो सो गया था तो इट वॉज डेफिनेटली अ लॉट ईजियर. अगर वो जग रहा होता आई एम श्योर इट वुड हैव बीन अ हैसल बट थैंकफुली ही वॉज स्लीपिंग वेन दे ब्रॉट एवरीथिंग इन. तो हमें टाइम मिल गया कि वो टाइम आराम से हमारा स्मूथली निकल गया एक रूम में बंद. और जब वो सारा सामान यहाँ डिलीवर हो गया हम वी लाइक द इक्विपमेंट वॉज डन बेड वगैरह वो लोग खुद पैक करते हैं और बेड ऑफकोर्स आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो. तो एज सून एज दे लेफ्ट उसके बाद हमारा ड्रिल नंबर 2 स्टार्ट हुआ. तो हमने वाइल सैमी वॉज स्टिल अस्लीप या फिर इस रूम में देन वी स्विच ड्यूटीज. माय हस्बैंड केम एंड सैट विद हिम क्योंकि वो सुबह से इतना कुछ करके अकेले ही वॉज डैम टायर्ड. तो ही केम एंड सैट विद द बेबी और उस बीच मैंने जाकर एक वी बॉट लाइक अ गैलन ऑफ सैनिटाइजर. इतना बड़ा एक गैलन टाइप का हमने लिया था और उसको मैंने मग में डाल के और एक वॉश क्लॉथ में डाल के आई सैनिटाइज्ड ऑल द फर्नीचर ऑल द कार्टन्स
ऊपर से, ऑफ कोर्स अंदर से, क्योंकि हमने ही सामान पैक किया था, तो इतना ज़्यादा आई वॉजेंट लाइक वेरी वेरी वॉरिड अबाउट वॉट एवर इन साइड वॉज, क्योंकि वो हमने ही पैक वैक करके सब हमने ही सील किया था. बट देन बाहर से, क्योंकि इट हैड कम इन कॉन्टैक्ट विद सो मेनी पीपल, तो हमने वो सारे कार्टन्स अच्छे से सैनिटाइज करे, सारा फर्नीचर अच्छे से सैनिटाइज करा, एवरी इंच ऑफ द पीस दैट वॉज मूव्ड फ्रॉम माई ओल्ड हाउस टू द न्यू वन, वो सब कुछ हमने सैनिटाइज करा. तो इट वॉज डेफिनेटली एन आर्डर्स टास्क, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था ये, और बहुत ज़्यादा इट वॉज सो टायरिंग. आई रिमेम्बर, मतलब पैरों, मुझे 2-3 दिन तक अपने पैर बाद में फील नहीं हो रहे थे, एंड द सेम वॉज द केस विद माई हस्बैंड ऑल्सो, बिकॉज हम लिटरली ये जितना काम हो पाता था, हमने सारा सामान जो भी, मतलब जितना भी एक रूम में बंद कर सकते थे, वो सारा सामान उस रूम में बंद किया. एंड एवरी नाइट, थैंकफुली आई वॉज ऑन लीव्स इतने दिन, तो आई वॉज एबल टू लाइक वर्क माई वे थ्रू इट. और रात में ही सबसे पीसफुल टाइम होता है, जब ये सब काम हो पाता है, व्हेन सैमी इज अस्लीप. तो हमने रात में लिटरली बैठ के एक एक डब्बा खोला, उसका सामान जहां जहां भी हमें लगाना था वो सब सैनिटाइज करके प्रॉपरली उसके बाद लगाया. तो जो काम वुड हैव टिपिकली टेकन अस अबाउट 2-3 days टू बी डन, उस पूरे काम में हमें पूरा हफ्ता लग गया, स्पेशली फॉर बिकॉज वी हैड अ बेबी एंड वी हैड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक. तो दैट इज रियली द होल डील. हमने आई थिंक दिस वीडियो वॉज नीडेड बिकॉज बहुत सारे लोगों ने हमें, बहुत सारे लोगों ने रीच आउट किया था. आई नो व्हेन आई पुट दैट स्टोरी ऑन, आई हैड सो मेनी मैसेजेस ऑफ पीपल आस्किंग मी. सम वर वेरी नाइस एंड सम, यू नो, सम वर वेरी रूड ऑल्सो, दैट हाउ इनसेंसिटिव कैन यू बी टू मूव एट दिस टाइम विद अ बेबी. बहुत ईजी होता है किसी को भी जज करना, राइट, कि ओ ये अपनी पेरेंटिंग में ये चीज ठीक नहीं कर रहे, इनको अपने बच्चे को ऐसे रेज करना चाहिए. बट आई जस्ट वॉन्ट टू पुट दिस मैसेज आउट देयर, एक बच्चे के लिए क्या ठीक है उसके माँ बाप से ज्यादा कोई नहीं जानता. आप चाहे कितने भी जानकार हों, आप कितने भी वाइज हों, यू माइट बी द वाइजेस्ट पर्सन देयर इज इन द वर्ल्ड, वॉट इज बेस्ट फॉर माई बेबी आई नो इट, आई डेफिनेटली डू. एंड वी लिटरली टुक एवरी पॉसिबल प्रिकॉशन टू मेक श्योर दैट वी आर नॉट एक्सपोजिंग हिम टू द थ्रेट Anyhow, हमने बहुत सारी चीजें की एक्स्ट्रा जो हम शायद इस सिचुएशन में भी हमें जरूरत नहीं थी करने की, क्योंकि जो मूव वजन पैकर्स वाले थे वो ऑल्सो दे वर लाइक ऑल ऑफ देम हैड देयर टेम्परेचर्स चेक्ड, सब कुछ चेक्ड, दे हैव बिन वर्किंग एंड बिन टेस्टेड, उनके आरोग्य सेतु ऐप एंड वट एवर, जितने भी प्री रिक्विजिट्स होते हैं वो सारे प्री रिक्विजिट्स वो भी फॉलो कर रहे थे, यहाँ भी सोसाइटी में और वहाँ भी जहाँ से हम मूव हुए थे, दे वुड टेक टेम्परेचर्स ऑफ दीज पीपल इन एंड आउट. आई नो ये कोई 100% मेजर्स नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर चाहो तो फिर भी लूज, आप यू नो यू कैन कट स्लैक ऑन अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स. हमने फिर भी वो सब चीज़ें की. आफ्टर दीज पीपल हैव मूव्ड आउट, जो हमारा सामान शिफ्ट कर रहे थे, आई मेड माई हस्बैंड टी. हम कभी चाय नहीं पीते, लेकिन हमने अदरक वाली चाय और उसमें क्लव्स और लौंग और पता नहीं क्या क्या डाल के हमने वो पिया. And we made sure that we are consuming enough vitamin C also, just as a precautionary measure, jisse hum aur hamari family puri safe rahe. So in the end, I would just want to say ki, aur haan, bahut sare logon ne humse ye bhi pucha ki, why do you think this is the right time to move? For us, a lot of reasons were there to think this was the right time to move. बहुत सारे रीजन्स इसमें बहुत ज़्यादा पर्सनल और सब्जेक्टिव हैं, तो हो सकता है वो आपको अप्लाई ना करे, सो आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट इट. बट एक रीजन जो मुझे लगता है कि राइट नाउ वॉज द बेटर टाइम टू मूव वॉज बिकॉज, जहां तक मैंने पढ़ा है, जहां तक मैंने न्यूज़ देखी है, इट फील्स लाइक इट्स गोइंग टू गेट वर्स. तो हमें नहीं बताया सिचुएशन कब तक रहेगी, एंड वी इवेंचुअली हैड टू मूव फॉर आर रीजन्स, फॉर वट एवर रीजन्स देयर वर, वी हैड टू. तो हम तब मूव करें जब सिचुएशन और ज़्यादा खराब है, तो अभी क्यों ना कर लें? बिकॉज अभी की चीज तो हमें पता है ना कि राइट नाउ वी नो दिस इज हाउ बैड इट इज, एंड इट इज रियली रियली बैड, बट आगे चल के और कितना बुरा हो जाएगा वो हमें नहीं पता, राइट? सो आई थॉट इट्स बेटर टू डू इट नाउ देन यू नो वेट फॉर इट अ कपल ऑफ मंथ्स एंड देन द सिचुएशन गेट वर्सन्स एंड देन हम तब मूव करें. और दैट्स इट. आई थिंक दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, स्पेशली फॉर द पीपल हु वर लुकिंग
who were looking to relocate and look out for a house. Again, मेरा message अभी भी वही है, stay home, stay safe, unless you think it is absolutely essential to step out of the house. Only then is when you go out, and be extra careful when you have babies. So I hope this was helpful. If you think it was helpful, please make sure that you like, subscribe, share, comment, and let me know if there's anything else that you feel that we could have done. I'm sure it will help people who might be moving after. So thank you and stay home, stay safe.